heading of this chapter is living together. Everyone of us is born in a family. हम सब एक फैमिली में पैदा होते हैं. Each one of us is a member of our family. We live as part of the family. There we learn to live with others. हमारी एक फैमिली होती है जहाँ पर हम दूसरों के साथ रहना सीखते हैं. No man can live in isolation. कोई भी अकेला नहीं रह सकता है. We all need to family. We need the support of others and others also need our support. हमें दूसरों के सपोर्ट की जरूरत होती है और दूसरों को भी हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है. The life we lead as part of a family help us to live together wherever we are. हम जहाँ भी होते हैं हमें एक फैमिली की जरूरत होती है. अगर फैमिली नहीं है हम अपने नेबर्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ एज अ फैमिली रह सकते हैं. लिविंग टूगेदर हैज सेवरल एडवांटेज. साथ में रहने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं. इट मेक अस फील दैट वी बिलोंग टू अ ग्रुप. इट गिव अस सिक्योरिटी. साथ में रहने से हमें लगता है कि हम एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और हमें सिक्योरिटी मिलती है. इवन एनिमल्स कैन बी सीन टू बी लिविंग टूगेदर. इवन एनिमल्स को भी एक साथ रहते हुए देखा जा सकता है. वन स्पीक्स ऑफ अ हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ हाइव ऑफ बीज एंड सो ऑन. जैसे एलिफेंट्स एक साथ रहते हैं, हार्ड ऑफ एलिफेंट्स एंड हाइव, और जो बीज होती हैं वो भी एक हाइव में रहती हैं. कभी भी आपने एक बी को अकेले नहीं देखा होगा. अ स्ट्रे एलिफेंट इज अ रेयर साइट एंड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम. लिविंग टूगेदर हैज सम डिसएडवांटेजेस. साथ में रहने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. We may have to sacrifice many of our desires. हमें अपने बहुत सारे डिजायर को sacrifice करना पड़ता है. We may have to submit to others. हमें दूसरों के बारे में पहले सोचना पड़ता है. We may have to suffer for the faults of others. दूसरों की गलतियों के लिए कभी कभी हमें sacrifice करना पड़ता है और हमें उसके लिए सफर होना पड़ता है. We may have to give up several of our comforts. हमें अपने बहुत सारे comforts को sacrifice करना होता है. Whatever the disadvantages are, it certainly is better to live with others. चाहे कितने भी इसके disadvantages हों, लेकिन ये it is better. हमेशा better होता है एक group में रहना, एक family में रहना. In the society, it is almost impossible to live alone. We cannot live alone. Whether it be at home, school or workplace. फिर चाहे वो घर हो, school हो या फिर workplace हो. For example, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं और आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, हाउ यू विल फील? आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. आपका नेक्स्ट स्कूल जाने का मन ही नहीं होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव टूगेदर. वेदर वी आर ऑलवेज विद अदर्स, देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू लिव विद अदर्स. इन टूडेज सोसाइटी अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर इज नॉट द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, नॉट इज ही द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन. आजकल की सोसाइटी में सक्सेसफुल लीडर वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है या फिर जो इंटेलिजेंट होता है. हु इज लीडर? वी मस्ट रिमेम्बर दैट टू ब्रेन आर बेटर देन वन. हमेशा टू ब्रेन्स बेटर होते हैं वन ब्रेन से. वन ब्रेन एक ही बात सोचेगा, लेकिन अगर दो लोग हैं तो हमें दो तरह की एडवाइस मिल सकती है. हैंड द बेस्ट लीडर इज वन हु कैन गेट पीपल टू पुट देयर ब्रेन टूगेदर. It is he or she who can work with others. There are many people who are very intelligent and smart. बहुत सारे people आपकी life में जो बहुत smart है और intelligent है. In actual life, they are not successful as a leader. But in actual life में वो as a leader successful नहीं है. Why? Why they are not successful in their day, in their lives? They fail to get the support of others. क्योंकि उनको दूसरों का support नहीं मिला है. क्योंकि वो सबके साथ रहना नहीं जानती है. दे आर यूजली ओवर कॉन्फिडेंट, हॉटी एंड प्राउड. वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत घमंडी होते हैं. उनको लगता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है. ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. दे वर्क ऑन देयर ओन. वो अपना काम अपने आप करते हैं. दे लुक डाउन अपॉन अदर्स एंड आर एरोगेंट. दे आर लोनली आइसोलेटेड. वो बिल्कुल अकेले होते हैं. उनके पास ना कोई आना पसंद करता है और वो तो दूसरों के पास जाते ही नहीं है. अ गुड लीडर इज वन हु कैन गेट अदर्स टू ज्वाइन हिम और हर. एक गुड लीडर वो होता है जो दूसरों को बोलता है आकर उसको ज्वाइन करने के लिए. वो सबसे कहता है कम टू मी, मेरे पास आइए. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम कम टू मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. इफ यू वॉन्ट एनीथिंग कम टू मी, वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे. सो ही और शी हैज अ टोटल ऑफ सेवरल ब्रेन एंड सेवरल हैंड्स.
Consequently, the performance and output will be much higher and better. इसका रिजल्ट क्या होता है? जो इसका रिजल्ट निकलता है कि जो भी आउटपुट निकल कर आता है वो मच हायर और मच बेटर होता है. इट इज नॉट ओनली इनफ टू लिव विद अदर्स, केवल इतना ही जरूरी नहीं है दूसरों के साथ रहने के लिए, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू वर्क विद अदर्स. टू बी एबल टू गेट ऑन वेल विद अदर्स इज नॉट इजी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरों के साथ काम करना इजी नहीं होता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सबके साथ एडजस्ट करना आना चाहिए. Anyone who wishes to be successful or to be a good leader must develop the qualities necessary to get along with others. एक गुड लीडर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए हमारे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. हमें इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए. द होम एंड द स्कूल आर ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लिविंग टूगेदर. दो ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं जहां पर हम साथ रहना सीख सकते हैं. फर्स्ट आर होम एंड सेकेंड आर स्कूल. We must use the opportunities we get to develop the ability to live and work with others. हमें इस opportunity का फायदा उठाना चाहिए. हमें सीखना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसे रह सकते हैं, दूसरों के साथ adjust कैसे कर सकते हैं, दूसरों के साथ survive कैसे कर सकते हैं. So, what is the moral of the story? What you have learned from this story? That living together is very necessary for a successful life. I hope you all have understood. In next video, we will discuss a new chapter. Till then, take care. Bye bye.